अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इलम की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम क्या करने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब उसमें हमने पिछले ही लेक्चर को हम स्टूडेंट हम आगे एक्सटेंशन दे रहे हैं, मज़ीद क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जब आपके पास दोनों की दोनों क्या हों, इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हों, तो प्रीवियस लेक्चर से नेक्स्ट एक्सटेंशन हमने नए लेक्चर में करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मजीद और सेकंड डिग्री यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों की दोनों उनको सॉल्व करने के वे सीखेंगे। एक किस्म की वर्कशॉप ही है। तो सबसे पहले देखें, आपने इसे इक्वेशन 1 बोल दें और इसे इक्वेशन को 2 बोल दें। थोड़ा गौर से देखें कि दोनों में दो दो ताकत है, कहीं से कोई वेरिएबल अकेला करना मुश्किल है। अब हम चाहते हैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। इधर देखें एक्स के साथ 2 है, इधर एक्स के साथ 2 नहीं है। अगर इसी तरह वाई स्क्वायर के साथ यहाँ 3 है, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी कंपेयरिंग कोफिशेंट वाला वे से, यानी हम एक जैसे कोफिशेंट करना चाह रहे हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीपल कर दूँ और ये 3 वाई स्क्वायर है तो ये भी 3 वाई स्क्वायर, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी। तो यहाँ आप यही लिखेंगे, इक्वेशन 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 7 21। देन सब्ट्रैक्ट कर दें आप किससे, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से स्टूडेंट जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस करने से साइन चेंज होते हैं, आपको मालूम है y आपका कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अकेला x स्क्वायर एक बचेगा। और इधर स्टूडेंट आपके पास 21 में से -18 जब आप रिमूव करेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा और x की वैल्यूज प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 वैल्यूज आएंगी। तो ये टेम्परेरी, ये ओरिजिनल वैल्यूज सॉरी हमने x की फाइंड आउट कर ली। अब हम चाहते हैं किसी तरीके से x की वैल्यूज जब मालूम होगी, हम y की वैल्यूज मालूम करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हम केस बनाएंगे। केस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे व्हेन, जब x आपके पास 3 अंडर रूट यानी स्केयर रूट पॉजिटिव लेते हैं, तो इसे पुट कर दें किस में, इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दें। मैं 1 में फिटिंग कर देता हूँ, 1 इम्प्लाइज, तो 1 में इक्वेशन में स्टूडेंट जहाँ आपके पास क्या है, x है, मैं वहाँ क्या रिप्लेस कर दूँगा, 3 अंडर रूट, और ये स्केयर पहले से था, यहाँ स्केयर नहीं था लेकिन इसमें स्केयर अवेलेबल है तो स्केयर आना था। अब उसके बाद मजीद आगे क्या करेंगे, ये स्केयर रूट और ये स्केयर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 7, वाई स्केयर इक्वल टू 7 माइनस 3, वाई स्केयर इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 2 आएंगी। तो अब यहाँ ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करें सॉल्यूशन सेट में। आप बोलेंगे एक्स 3 अंडर रूट था, वाई की वैल्यू 1 प्लस 2y, वाई की वैल्यू 1 माइनस 2y, ये दो वैल्यूज थी, तो 2y आपने लिखे लेकिन x आपका क्या था, सेम था। इनपुट आपकी जब x थी तो y आपके 2 आए, तो दोनों आपके डिफरेंट थे तो 2 ऑर्डर पेयर बने। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट अब दूसरा केस करेंगे, पॉजिटिव अंडर रूट के लिए तो कर लिया, अब आप यहाँ लिखेंगे व्हेन, जब x आपके पास माइनस 3 अंडर रूट है तो देन 1 बिकम्स, तो 1 में आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू क्या है वो रिप्लेस कर दें माइनस समेत, तो स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, इस स्केयर इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा,
अगेन आपके पास वही वैल्यू आ जाएंगी। कौन सी? 7 माइनस 3 ये 4, और ये दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2। यहाँ मज़ीद अगेन सॉल्यूशन लिखेंगे, एक्स आपके पास -3√ था और वाई 2 आए, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो स्टूडेंट ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हो गया, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट ये वाली एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन यानी ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 एंड 3x² माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर टू 80। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप वाई स्क्वायर और माई आप अगर फ़र्ज करें इन्हें आप ऐड करते हैं, रिमूव तो हो जाएगा लेकिन आपके पास शेप आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करें, एक्स स्क्वायर और 3x² ये 4x², और स्टूडेंट ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2xy एज इट वैसे आ जाएगा, और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा 120 राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इससे कर तो सकते हैं लेकिन बहुत कैलकुलेशन लेंथी हो जाती, लॉन्ग हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो आप इससे बच जाएं, इसे मत करें, यानी किसी एक वेरिएबल को रिमूव, क्योंकि रिमूव करते हैं तो रिमूव हो नहीं रहा फुल ना। इधर देखें मैंने क्या कहा, ऐड किया तो आपके पास क्या आ रहा है, कोई एक वेरिएबल रिमूव, वाई फिर जिंदा है। हमने अपनी तरफ से वाई रिमूव करने की कोशिश की, वाई स्केयर कैंसिल, लेकिन वाई फिर आ रहा है, तो इस आ रहा है इसके अंदर, तो स्टूडेंट क्या होगा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेहतर क्या है, आप कोशिश करें किसी तरीके से कि कांस्टेंट जोन से वो रिमूव कर दें। कांस्टेंट रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस मेन इक्वेशन को, ये इक्वेशन वन है स्टूडेंट और ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन वन को मैं टू से मल्टीपल करूं, इक्वेशन वन को स्टूडेंट टू से मल्टीपल करें तो आपके पास क्या आएगा, 2x² प्लस 2y² इक्वल टू 80। अब स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दें आप किस इक्वेशन टू से, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन टू से, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से, तो 2 को आप अमाउंट को कहने का मतलब ऊपर रख लें, तो यही लिखेंगे 2 माइनस, इस नई इक्वेशन का नाम 3 रख दें, 2 माइनस 3। तो स्टूडेंट 2 इक्वेशन को आप टॉप पे रखें, 3x² माइनस 2xy माइनस y² इक्वल टू 80, और ये 2x² और y² के नीचे y² लिखा मैंने इक्वल टू 80। अब इससे क्या होगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाए, सॉरी आपके पास कौन कैंसिल होगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 80 माइनस का 80, तो स्टूडेंट ये आएगा x² 3 में से 2 गया 1, और ये माइनस 2xy एज इट वैसे ही, और स्टूडेंट ये आपके पास माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3y². अब स्टूडेंट इसे आप फैक्टराइज कर लें, जब आप फैक्टराइज करेंगे 3 वन ज़ा 3, यही आपके पेयर बन जाएंगे, 3xy प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। अब दोनों में आप कॉमन ले लें, x कॉमन आ रहा है इन पहली दो टर्मों में, तो x माइनस 3y, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 3 वन ज़ा 3। स्टूडेंट आपको यहाँ पे 3 वन ज़ा 3 ही लेना था, क्योंकि इसको 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 2 भी आ जाएगा, तो इसलिए 3 वन ज़ा 3। अब इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x, यहाँ बचेगा 3 और ये y, एक y बाहर चला गया, तो आपके पास जो अमाउंट इन दोनों में x माइनस 3y ओवरऑल कॉमन आ गया और अंदर x प्लस y बचा। तो स्टूडेंट आपके पास दो इक्वेशनें बनेंगी, ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 0 या फिर x प्लस y इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, दूसरी क्या बनेगी, x प्लस y इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 3y और x बराबर माइनस y, इसे रोमन में इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसे रोमन में इक्वेशन 2 बोलते हैं। स्टूडेंट वक्त टेम्परेरी वैल्यूज आपने x की मालूम कर ली हैं, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे ही टेम्परेरी वैल्यूज आई हैं इन्हें इक्वेशन 1, कौन सी ये वाली 1 जो सी है, इस 1 में रिप्लेस करें, रोमन वाली वन को यानी इस इक्वेशन वन में रिप्लेस करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स जगह जब माइनस 3y, तो यहाँ मैं दो केस किए देता हूँ, ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन वन को इसे लिख दें आप पुटिंग रोमन वाली वन को इन वन, तो x² प्लस y² इक्वल टू 40, तो x जगह आपने क्या लिखा, माइनस 3y का स्क्वायर y² इक्वल टू 40, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 9y² इक्वल टू y² इक्वल टू 40, और ये 10y² इक्वल टू 40, और स्टूडेंट ये कैंसिलेशन होगी,
तो आपके पास y इसके रिजल्ट 4 और y की वैल्यूज दो आएंगी प्लस माइनस 2। अभी ये हम पहला ही केस किए जा रहे हैं, ठीक है, पहला ही केस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं ये वाली यानी इस वैल्यू को आपने मेन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास y की दो वैल्यूज आई। अब ये दोनों y की वैल्यू रिवर्स में हम यहीं वापस, क्योंकि इसमें फिल करने से आई थी, तो y की वैल्यू बारी बारी इस जगह रखेंगे ताकि x के सोल्यूशन हमारे मिल सकें। तो आप यहाँ ये लिखेंगे वन इम्प्लाइज वेन y, जब आपके पास प्लस 2 है तो x बराबर माइनस 3y, x बराबर माइनस 3y, y की जगह 2 रिप्लेस किया तो x आया माइनस 6। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कि यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप बोलेंगे एक ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है आपके पास, यहीं एक सॉल्यूशन क्या बना, x माइनस 6 आया और y आपने उस टाइम क्या रिप्लेस किया, 2, ठीक है। अब अगेन स्टूडेंट मैं क्या कह देता हूँ यहाँ पे, अगेन वेन y इक्वल टू माइनस 2 यानी दूसरा सॉल्यूशन, और इस रोमन वाली इक्वेशन 1 में इम्प्लाइज करते हैं, यहाँ रोमन 1 लिखेंगे, रोमन 1 वाली इम्प्लाइज, तो x बराबर माइनस 3y, x बराबर माइनस 3, y की जगह माइनस 2 तो x बराबर 6। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन दूसरा क्या आया, जब आपने x आपके पास 6 आया तो y आपने क्या रिप्लेस किया था, माइनस 2। तो स्टूडेंट ये दो सॉल्यूशन आपके पास बने, 6 व माइनस 2, और दूसरा क्या था एक दफा दोबारा चेक कर किए देते हैं। एक स्टूडेंट देखिए मिस्टेक हमसे हो चुकी है स्टार्ट में, कैसे x माइनस 3y था, तो स्टूडेंट यहां पर x माइनस 3y तो ये होता जाके प्लस 3y, तो स्टूडेंट ये आपके पास प्लस प्लस प्लस, तो स्टूडेंट एक y आपके पास 2 था तो y आपके पास x आपके पास 6 आया जब y आपने 2 रिप्लेस किया, तो स्टूडेंट यहां पर भी ये प्लस है तो ये क्या बनेगा आपके पास माइनस 6। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आया माइनस 6 जब आपने y क्या रिप्लेस किया माइनस 2। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए जब आपने स्टूडेंट क्या किया इस x की टेम्परेरी वैल्यू को मेन इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया। अब इस x की टेम्परेरी वैल्यू को इसको अगेन इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें, सेम यही प्रोसीजर हम करेंगे लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बना था पहले, अभी कि हमने 6 x 6 आया था, y 2 रिप्लेस किया था और x 1 आपका माइनस 6 आया था जब आपने y माइनस 2 रिप्लेस किया था। अब स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस y तो रोमन इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं, पुटिंग रोमन इक्वेशन जो 2 है उसे किस में रिप्लेस करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब आप फिलिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, एक्स एक्स की जगह आपने क्या रिप्लेस किया माइनस वाई, तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो स्टूडेंट ये 40 और वाई टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास आई 20, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब 20 की स्टूडेंट हमारे पास अंडर रूट नहीं होती, तो 20 को हम कैसे करेंगे, 4 5 जा 20, 4 अंडर रूट ब्रेक करके आ जाएगा, क्या आएगा बाहर प्लस माइनस 2, 5 अंडर रूट। तो y की वैल्यूज आपके पास क्या आई यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये आपके पास y की दो वैल्यूज आई जब आपने x की ये टेम्परेरी वैल्यू मेन इक्वेशन 1 में, आप 2 में भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 क्या थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा है इसलिए हमने जो छोटा वाली में उसमें रिप्लेस करके y की वैल्यूज दो आई। अब y की वैल्यूज दोनों की दोनों पहले आप स्टूडेंट क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 अंडर रूट, वो आप रिप्लेस करें किस में, रोमन इक्वेशन 2 में, तो x बराबर माइनस वाई और y आपके पास क्या है y की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट 2 इंटू 5 अंडर रूट, लें भाई आपके पास एक सॉल्यूशन क्या बना माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट और y आपने क्या रिप्लेस किया था 2 प्लस का, यानी ये y की वैल्यू रिप्लेस की तो x की न्यू वैल्यू ये आपके पास आई, आपने ऑर्डर पेयर लिख दी। अब नेक्स्ट इसी तरह आप बोलेंगे y की वैल्यू माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट, ठीक है माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट, माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट, इसको आप रिप्लेस करेंगे किसमें,
इक्वेशन रोमनारी टू में एक्स बराबर माइनस वाई, वो माइनस वैसे ही और वाई की वैल्यू आप रिप्लेस करें टू इंटू फाइव अंडर रूट, तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगी प्लस टू इंटू फाइव अंडर रूट। यहाँ पार्टर क्या लिखेंगे, एक्स आपके पास टू इंटू फाइव अंडर रूट आया जबकि वाई आपने माइनस समेत माइनस टू इंटू फाइव अंडर रूट रिप्लेस किया, तो स्टूडेंट ये आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा पूरी इन दो इक्वेशंस का। और ये दोनों ये कॉमन सोल्यूशन है स्टूडेंट, ये किसी में भी इन दोनों में रिप्लेस करेंगे कोई एक ऑर्डर पर उठा के, तो वाकई इसको ले जाके जब यहाँ फिल करेंगे वाकई 40 आएगा, इसको ले जाके यहाँ फिल करेंगे वाकई 40 आएगा, इनमें फिल करेंगे तो 80 आएगा, ये गारंटी है। तो स्टूडेंट जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन की चैप्टर नंबर 10 में चैप्टर नंबर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 के लिए आज के लिए इतना ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों हो तब हमने आपको दो क्वेश्चंस करके दिखाए, उम्मीद है आपको मजीद कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मजीद आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखें जो समझ ना आए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।